SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच मोबाइल से मैसेज कर अपनी पत्नी से 25,000 रुपए फिरौती की मांग की। पत्नी ने इस बात की शिकायत जबा पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को सतना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लोगों से उधार लेकर मानसिक तनाव में आने के कारण युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक घर से रुपए लेकर निकला युवक राजाराम पटेल बुधवार की रात रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। परिजनों के होश उस समय उड़ गए जब उसके मोबाइल से फिरौती का मैसेज आया, जिसमें उसके अपहरण की जानकारी दी गई थी। परिजन लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन फोन बंद आ रहा था। सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के पास बरामद कर लिया। उसके पास से मोबाइल भी मिला है जिससे उसने मैसेज किया था। युवक को पूछताछ के लिए रीवा लाया गया। परिजनों के मुताबिक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से उसने इस तरह की सूचना देकर पुलिस को गुमराह किया है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। राजा राम सिंह है, मैं खमारिया से हूँ। नहीं कि मैम नहीं किया, तो मैंने खुद ही कहानी बनाई थी। मैसेज मेरे द्वारा ही किया गया। हाँ, अभी घर जाना चाहते हैं, अच्छा था, घर के बाद काम पे जाएंगे। नहीं और कोई दिक्कत परेशानी। ये कल जबा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था। घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए हैं और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहृत के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को अब तक पहुँचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, पूछताछ की गई, जानकारी ली कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस ने पूरा टाइम जब से उसकी सूचना आई उसके लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है। लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में, पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियाँ ना करें। धन्यवाद। रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।